पीछे कितना आया था? दोनों ये ले ली। हाँ देखो जहाँ से ऊपर आ रहा है ना अभी मेरे पे वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेम्ड एज एन इंजीनियर एंड नेचर लवर। सो गाइज, आज हम आपको अपने काम का कुछ दिखाने वाले हैं। आज हम अपने साइट पर वाटर ट्रीटमेंट की सोर्स की तरफ आए हैं, तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे व्यूज़ हैं यहाँ पर। आसपास के नज़ारे दिखाओ इनको। ये चमेरा का मेन सोर्स है हमारा, चमेरा बांध का। यहाँ से हम पानी लिफ्ट करके 6 पंचायतों तक लेके जाएंगे। रास्ते भी काफ़ी टफ हैं, आपको दिखाते हैं। चलो हमारे साथ बने रहो इस ब्लॉग में, आगे तक आपको रास्ते दिखाते हैं यहाँ के, कैसे हम आ जाएं यहाँ पे। दिखाओ इनको सारा घूम के कैसे टफ रास्ते हैं यहाँ के, और पंप हाउस और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर भी लेके जाएंगे। अभी हम ऊपर जा रहे हैं, नीचे उतरे थे हम, यहाँ पर अपना हेड देखने आए थे वाटर लेवल का। इसके बाद पंपिंग मशीनरी का डिज़ाइन करके पंप वगैरह ऑर्डर करवाने हैं, इसलिए ये ऊपर बनेगा हमारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। ये इसका मेन सोर्स चमेरा डैम का। यहाँ से पानी उठा के ऊपर 6 पंचायतों को लेके जाएंगे। पानी छोड़ दिया नीचे, मोल माल सारा खाली है, मतलब ये कांडी पुल है ना, कांडी पुल का पीछे खाली है सारा। बहुत बेकार, हर गांव के मायर हैं, और होने भी चाहिए हमारे को भी इसका तारियां। ऊपर आ जाता सर पानी। किसान यहाँ से बाहर जा सकते हैं आप? बाहर तो नहीं पहुँचे, बड़ा लंबा है, बाहर नहीं पहुँच सकते। नहीं पहुँच जाता बंदा डेली कंटिन्यू रहे ना, थक लगती होनी है ना, देखिए ऐसे पैर से सीधे भी चलते, फिर उल्टा भी चलना पड़ता है। जी आप डूब नहीं सकते हैं इसमें, तारियां जानते हैं ना, तो डूब नहीं सकते हैं आप। पक्की बात है मेड जी? पक्की सर। दिल कहते डैम तो मुश्किल है यहाँ तारी तूरी मारना, डैम चला लेंथ बढ़िया ना सर, मारते थे तारी कहाँ तारी मारते थे से हो नहीं जाए ना, पक्का तो बैठ जाओ।
मकान वाले भी ना ना ये तो है किस्ती वाले ने बोटिंग को इन्होंने बनाया पैड़ियां आने के लिए लोगों ने ये वाला लकड़ कोई शमशान वाले तक आ गए नीचे से पता नहीं कितने आए होने आते होने लोग यहाँ से तो ले जाते हैं कोई जलाने जलूने धाम धूम के लिए कोई नहीं आप करो बोला उनकी तो ना रात का जीपीएस विकास कार जीपीएस ऑन अपना जीपीएस ले आते तो उससे ठीक आना है ना जीपीएस है जीपीएस हो अब आए विकास कंपटीशन कर रहे हैं तारी दा अरविंद के साथ करना कंपटीशन है लगानी दोनों ने तारी दोनों को आती है तारी लगानी ये हमारी WTP का सोर्स मेन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का यहाँ से ऊपर जाएगी पाइपलाइन अभी हम ऊपर जा रहे हैं वापस प्लांट तक अपनी साइट की तरफ देखो कैसे रास्ते हैं ये तो फिर भी ठीक है आगे जाके और भी टफ आने वाला है रास्ता और यहाँ का व्यू शानदार शानदार और जानदार जान भी बनाए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना आप लोगों को हमारा काम कैसा लगा ये जो सामने गांव है यहाँ के लोग बोट के द्वारा इस साइड आते हैं आपको बोट दिखाते हैं इस बोट से अच्छा अच्छा ओके सर आ जाएं चलो जी ऐसे लग रहा है सीधा आसमान पर ही पहुंच गए बहुत ज्यादा नीचे बहुत एकदम से हाइट आ गई इधर देखो रोड पूरा खराब हो गया ये स्लाइड हुआ है बारिश के कारण कितना नुकसान हुआ है एकदम से स्टीप ये है हिमाचल का कल्चर अभी हम जा रहे हैं घास के बीचों बीच खेतों से ये घास का क्या करते हैं अरविंद ये बस सर अब बारिश का मौसम खत्म हो जाएगा तो इसको धीरे धीरे काटेंगे और सुखाएंगे इसको सुखाने का क्या पर्पस रखेंगे मतलब इसको बांधेंगे ना और इसको स्टोर करके रखेंगे और जब सर्दियों में काम आएगा सर्दियों में किस लिए जानवरों के खिलाने चारे के लिए
ये देखो इतने बड़े बड़े घास के मैदान हैं यहाँ, इसके बीचों बीच से गुजर के जाना पड़ रहा है। और ये घास गाइस अभी मौसम जैसे बारिश का है, घास अच्छी हो जाती है तो उसको काट के ये अपने सर्दियों के लिए सुखा के रख लेंगे पशुओं के चारे के लिए। उस सीज़न में घास कम होती है? सीज़न में तो काफ़ी होती है सर। उस टाइम सर्दियों में? सर्दियों में कम हो जाती है। कम हो जाती है, बर्फ अच्छा। गिरती है तो फिर उस टाइम फिर सब अब मुरझा भी जाता है, अच्छा सूख भी जाता है। ठीक है, उस टाइम काम नहीं आता कुछ भी। ठीक है, और ये ख़राब हो जाता है, टेस्ट में भी ख़राब हो जाता है। टेस्ट में भी जहर जहर बन जाता है उस टाइम। अच्छा चलो, ये खिलाएंगे बस तो मर जाएंगे। अच्छा, देख सकते हैं बीचों बीच घास के मैदानों से होते हुए दोबारा अपनी साइट की ओर जाते हुए। ये हमारे साथ के क्लीग बताओ अभी ये खेतों के बारे में, आसपास की जगह कौन कौन सी फसलियां तैयार होती है इधर? तो ज्यादातर सर मक्का और ये गेहूं ही होती है। अच्छा, जिसमें 25% बंदर खा जाते हैं। जिसमें 25% कितनी जमीन है आपकी यहाँ? मेरी तो सर 50 बीघे होगी। 50 बीघे, तो क्या क्या लगाते हैं आप? सर अभी तो यही गेहूँ और मक्का ही लगा। गेहूँ और मक्का, मक्का तो कहीं दिखने था, घास ही दिख रही है। विभाग ने इनको एक लिफ्ट की स्कीम बनाई है मगर ये लोग यूज नहीं करते हैं, नहीं तो ये यहाँ धान भी उगा सकते हैं, सब्जी भी उगा सकते हैं। सब्जी भी वो कमल ने बंद करवा दी है और डिमांड करते हैं कि हमें और सिंचाई की स्कीम बनाई जाए। सिंचाई की तो रेस्ट की यहाँ देखो, पेड़ के नीचे ठंडी ठंडी हवा, मेट जी ने भी रेस्ट की। ये हमारे मेट जी हैं जगदीश जी, और फिर दोबारा अपनी जर्नी स्टार्ट हो गई है, WTP पे जाएंगे। मक्का है ना तैयार हो गया? एक मंथ में मक्की तैयार हो जाएगी। बारिश पर ही डिपेंड है मक्की भी। इस बार बड़ी बारिश हुई है सर। हाँ जी, बारिश की वजह से ना सर। हाँ जी, मक्की और घास बड़ा है इस बार। बड़ा है ना, बड़ा है। हिमाचल में इस बार काफी तेज बारिशें हुई हैं। जब ज्वाइन किया था फिर से वही घास के मैदान में पहुंच गए दोबारा से। हवा चल रही है बहुत ठंडी। नीचे उतरना है, ये फिर मटेरियल नहीं ना जाएगा यहाँ से। हाँ जी, वो सामने हमारी साइट है।
और ये अभी खतरनाक रास्ते से उतरते हुए अरविंद और विकास। नहीं नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं ये आनी है ब्रेक। फाइनली इस टफ रास्ते से नीचे उतर चुके हैं, चलते हैं आगे साइड पर। सारी बारिश की वजह से स्लाइडिंग हो गई है रास्ते की, दोबारा से सेट करना पड़ेगा काम के लिए। ये हमने रास्ता बनाया था, ये जा रहे हैं अपने पंप हाउस की तरफ, WTP की साइड की तरफ। बरसात की वजह से घास और झाड़ियां ज़्यादा हो चुकी हैं, सफाई की हुई थी पहले। ये देखो कितना खतरा लेके काम के लिए जा रहे हैं। स्नेक भी हो सकते हैं, स्नेक भी हो सकते हैं बीच में, देख के चलना। जंगल सफारी है विकास है। ये जा रहे हैं के काम के लिए, देख सकते हैं साइट पर, बड़ा खतरनाक व्यू है आसपास। ये फूल थोड़ी होंगे है, लग गए फूल बस। खोल के अपना भी टैली कर लो ना। ये हमारी साइट है ऊपर WTP की, यहाँ पंप हाउस का हम लेवल लेने आए हैं। 59 क्या आ रहा है? लैटिट्यूड आ रहा है 32.62, लॉन्गिट्यूड आ रहा है 76.76। नहीं 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 इधर से ठीक है, आसान है, इधर से आसान है मेरी। ये पहले हमें गलत रास्ते ले आए गाइड हमारे अरविंद शर्मा। इधर से ठीक है, ऊपर ऊपर चढ़ जाएंगे। देखिए सर कितना घास फूस हो गया है यहाँ पे, दोबारा ठीक कर, चलने में दिक्कत आ रही है। दोबारा इसको ठीक करके काम शुरू करवाएंगे जब ये बारिशें बंद हो जाती हैं। जगह जगह तो लैंडस्लाइड हो गई है, सारे रास्ते हमारे बनाए हुए खराब हो गए, बहुत तेज बारिश हुई है।
मैं मर जाऊंगा, घर फोन करो, आज मर जाऊंगा तो यहाँ फंसा पार्ट में। क्या बोल रहा था? बोलता आज मैं घर फोन कर दिया कि मैं मर जाऊंगा तो यहाँ पक्की के पीछे बेमास कर रहा है। वो क्यों मर जाएगा? हैं? बोलता भाई जो फाट बड़े हैं। फाट मतलब मेट जी? पहाड़, पहाड़ में बोलता फंस गए। अच्छा, ऐसी जगह घास में बोलता भाई जो बार्स में अंधेरा ही हो गया बोलता। अच्छा, अंधेरा हो गया माँ जो जाएंगे कहाँ, आज तो मर के जाना है बोलता। आज जिंदा नहीं जाएंगे। कल हमारा एक कलीग ऐसे ही पहाड़ी से नीचे उतरा और वो उसकी कहानी सुना रही मेट जी, ऐसे बोल रहा था वो। सूर है क्या ये? सूर तो है, कर देता दो दो फुट छोट थोड़ी है, गायियां होनिया गाय होनी उस ऊपर गई। रास्ता गया हमारा, रास्ता खराब हो गया, लैंडस्लाइड होगी। दोबारा मशीन मंगाओ या दोबारा से, ये भी जाने वाला है। चलो हमारी एक्सटेंड हो रही है वैसे जमीन ना। हेलो, जमीन एक्सटेंड हो रही है हमारी नेचुरली। अरे एसपीओ साहब आ रहे हैं ना, तो वही ना वो तो लेना फिर साइन स्टैंप।